नहीं हुई। इस ट्रेन का तेल खत्म हो गया तो हमको इसको ना ढकेलना पड़ेगा, ढकेलने में तब आगे बढ़ेगा। ये है एकदम लोकल ट्रेन और इसमें जितने बेरोजगार लोग होते हैं ना सब वही यात्री लोग रहते हैं जैसे हम के बेरोजगार हैं। ये बताइए क्या है, रबर से बना हुआ, आप लोग देखिए फोटो में क्या दिख रहा है, देख रहे हैं आप लोग क्या दिखा आप लोग को, और बाकी देखिए करीब से क्या दिख रहा है। ये लोहे से बना हुआ है, काला काला पेंट किया गया है और दूर से फिर देखिए क्या बना है। समझ में आया क्या बना हुआ है? सो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से एक नए फ्रेश ब्लॉग में। तो यार अभी हम जा रहे हैं कुछ काम से ट्रेन पकड़ने और जाएंगे माधव सिंह स्टेशन। माधव सिंह स्टेशन लगभग यहाँ से 60-70 किलोमीटर दूर है, तो अभी ट्रेन का सफ़र है। देखते हैं ट्रेन में क्या क्या होता है और ट्रेन का सफ़र कैसा होता है। बाकी लोकल ट्रेन पकड़ के जाएंगे, लोकल ट्रेन में कैसी सुविधाएं होती है वो सब दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले हम आपको दिखाते हैं किस स्टेशन पे हैं, वो हम आपको दिखाते हैं, उसके बाद हम आप लोग को ट्रेन का सफ़र भी दिखाएंगे। तो बस इस प्यारे से ब्लॉग में आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। जैसा कि दोस्तों हम बताएं कि अभी हमारे पीछे ये देख रहे हैं एकदम सुंदर सा बगीचा दिख रहा है, तो ये बगीचा नहीं है, ये बनारस रेलवे स्टेशन है। बहुत ही खूबसूरत और शानदार तरीके से इसको मॉडिफाई कर दिया गया है और देखने में भी ज़बरदस्त। इधर के साइड में देखिए एक तालाब है और सामने पीपल का पेड़, और ये है बनारस रेलवे स्टेशन। अभी हम स्टेशन के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम दिखाते हैं क्या क्या चीज़ें होती हैं इस प्लेटफार्म के अंदर। फिर हमारा ट्रेन वैसे प्लेटफार्म नंबर 1 पे आएगी और हम घूम रहे हैं 13 पे, और अभी हमको जल्दी से भाग के जाना होगा क्योंकि 10 मिनट मात्र समय है, नहीं तो 10 मिनट बाद ट्रेन चली जाएगी। ये देख रहे हैं ये सामने भारतीय रेल डेमो रखा गया है। बाकी सामने से अगर आप देखिए तो ये है पूरा बनारस रेलवे स्टेशन का नज़ारा। और देखिए उधर के साइड में बनाया गया सेल्फी पॉइंट बनारस। सामने देख रहे हैं और ऊपर में आन बान शान तिरंगा। चलिए अब हम चल रहे हैं अंदर, देखते हैं अंदर हमको अंदर में क्या होता है दिखाते हैं। तो देखिए ये है बनारस रेलवे स्टेशन। उधर के साइड में मिलता है टिकट और इधर के साइड में कैंटीन। बाकी आप नज़ारा तो देख ही रहे हैं। और अब हमको चलना है पहले प्लेटफार्म नंबर 1 पे। हम टिकट पहले से ले के रखे हुए हैं क्योंकि अगर टिकट नहीं लेते तो हमें देर होता क्योंकि लाइन भी लंबी थी, और आपको ये सब काम करना है, समय कम है, तो टिकट पहले से ले के रखिए। देखिए इधर ये वाली कौन सी ट्रेन है, लाल वाली नहीं, लाल वाली नहीं, ये है बनारस रामेश्वरम। बनारस रामेश्वरम ट्रेन है और ये जाएगी शायद उधर तमिलनाडु के साइड में, साउथ के साइड में जाएगी, और साउथ के लोग बहुत सारे यहाँ पे ऑलरेडी पहले से हैं भी। तो ये देखिए चलिए अब हम लोग चलते हैं ऊपर के साइड में। तो गाइस ये 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद हमको मिलेगा पुल, बनारस रेलवे स्टेशन का ओवर ब्रिज मिलेगा 150 सीढ़ी चढ़ने के बाद। अब हम आपको यहाँ से दिखाते हैं, ये देखिए बाहर का नज़ारा। टाइम हो रहा है 5:30, देख रहे हैं इतना पूरा खुला मैदान है। गाइस तो जैसा कि बता दें हमारा ट्रेन अभी आ चुका है। देखिए एक छोटा ट्रेन आ रहा है इलाहाबाद से, ये लोकल ट्रेन दिख रहा है आपको, थोड़ा जूम करते हैं। लेकिन आज दोनों का टाइमिंग एकदम करेक्ट मिल गया। ये देखिए एक ठो ट्रेन इधर से आ रहा है ये, और दूसरा ट्रेन देखिए उधर से आ रहा है सामने से। अभी है थोड़ा सा आउटर में, वाइट वाइट दिख रहा है ना आपको, ये देखिए फिलहाल में भी ट्रेन आ चुका है तो ट्रेन में बैठते हैं।
ट्रेन एकदम भरा है। चलिए यहीं खड़े हो जाते हैं। फिलहाल में सीट नहीं मिल रहा है, खड़े खड़े होके जाना पड़ेगा हमको। तो भैया यार फिलहाल में देखे ट्रेन चल चुका है, आप देख रहे हैं ये ट्रेन बहुत बहुत छोटा सा होता है, लगभग बता देना 8-10 कोई इसमें बोगी होता है और सब देखिए सारा सिंपल देखने में, यहाँ से लेके वहाँ तक दिख रहा है। इधर भी देखे जैसे आपको हर ट्रेन में मिलता होगा ना, ये जैसे मुंबई का लोकल ट्रेन होता है, दिल्ली का मेट्रो ट्रेन होता है ना, एकदम सेम वही तरह है ये ट्रेन, बनारस का लोकल ट्रेन है ये। तो फिलहाल में अभी ये लास्ट इसका स्टॉपेज है इलाहाबाद तक, इलाहाबाद के बाद फिर से ये वापस रिटर्न हो जाएगा। और अभी हमको तो खैर जाना ही है माधो सिंह तक ही, देखते हैं रास्ते में क्या होता है, कुछ अच्छा होगा तो ज़रूर हम आपको दिखाएंगे। अभी यार 10 रुपये का चना दे दा। अरे यार तो देखिए जैसा कि हमको चना मिला था, चना खा लिए हैं। ये है एकदम लोकल ट्रेन और इसमें जितने बेरोजगार लोग होते हैं ना, सब वही यात्री लोग रहते हैं, जैसे हम लोग के बेरोजगार हैं कि देख रहे भाई लोग, सब लोग बैठे हैं इसे, इधर भी कुछ बेरोजगार लोग टहल रहे हैं, बाकी भैया साइकिल खड़ा करके मस्त एकदम मुस्कुराता। उधर देखिए एक लोग चना बैठ के आराम से 10 रुपये का ले रहे हैं, यात्रा का मजा ले रहे हैं। तो बस यही तरह सबका धीरे धीरे सफर कटता जाएगा इस लोकल ट्रेन में, किसी को 10 किलोमीटर जाना है, किसी को 50 किलोमीटर, किसी को 100 किलोमीटर। ये है बनारस, मतलब समझ लीजिए इलाहाबाद से मऊ जाती है जाला ना भैया, मऊ से इलाहाबाद जाने वाली एकदम लोकल ट्रेन है। जिसका मन करे वो आए, जहाँ मन करे वहाँ बैठे, जहाँ मन करे वहीं पहुँच जाए। कहो भैया सही बात है ना, केहू का लिखावल ना है मैं। हाँ कोनो दिक्कत नहीं, हाथी घोड़ा कुछ लादला कोनो दिक्कत नहीं है। चला अब हम सीधे माधो सिंह स्टेशन पहुँचने के बाद बैठ जाए ट्रेन, यहाँ हाथियों को खींच के लेके चल जाए यार। देख ला है पानी वाले अगले, पानी एक फिलहाल में देखा पानी देला मत ले भैया, भाई बर्फ जमल यार गलते ना, कैसे पनिया पी। अरे बिना आओ बिना बर्फ बताओ आई कुल बर्फ वाला पानी लेके आलू आई सर वक्त गलते ना कि पानी पी ली जल्दी से, ऐसा पानी दे कि साला पूरा बर्फ ही जमल। लेकिन जूठा कर दे बदलवा का, बदल दे बदली बदला हुई। हे भैया यो जमले है ना, कितना कुल जमला लेके आलुआ, बहुत मस्त लेकिन पानी लिया आलुआ, चली सरवा महीना। तो दोस्तों वैसे तो हमारी यात्रा खत्म हो चुकी है और अभी टाइम देखिए कितना हो रहा है, 7:20, सामने है माधो सिंह स्टेशन, ऊपर बोर्ड लगा हुआ है, हम पहुंच गए माधो सिंह स्टेशन। देखिए इस यात्रा के बीच में हम आप लोग से एक सवाल पूछ रहे हैं, आप लोग बताइएगा, हर यात्री अपने साथ एक सुंदर सा सपना सोचता है कि हमारे बगल में बैठा रहे, आप लोग बताइए कि आप लोग भी सफ़र में ऐसा ही सोचते हैं कि एक सुंदर सा सपना आप लोग के बीच में बैठा रहे, आपके बगल में बैठा रहे, तो कमेंट करके बताइएगा ईमानदारी से एकदम। तो यार फिलहाल में अभी हम जा रहे हैं जहाँ हमको जाना था और कल बनारस अपने वाराणसी अपने काशी में मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तो आज के लिए बस इतना ही है, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।